हेलो एंड वेलकम, मैं हूं पराग छापेकर, जो आपको बताता है बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई फिल्मों का हाल। तो इस हफ्ते रिलीज हुई है दो फिल्में, डायरेक्टर अमर कौशिक की स्त्री और डायरेक्टर नवनीत सिंह की यमला पगला और दीवाना। सबसे पहले बात करते हैं स्त्री की। स्त्री हिंदुस्तान के हिस्ट्री की पहली फिल्म है जो हमारे यहाँ पर हॉरर कॉमेडी की तौर पर सामने आई है। ये एक अलग जॉनर जो अभी तक आपने नहीं देखा, और यकीन मानिए अमर कौशिक ने उसको बहुत ही ढंग से, बहुत ही सलीके से ट्रीट किया है। आपको कहीं पे वो डराती भी है, कहीं पर हंसाती भी है, और साथ ही साथ आपको सोचने पर मजबूर कर देती है फिल्म के अंत में कि आखिर हम जिस तरह से एक थॉट प्रोसेस है हमारी हिंदुस्तानियों की, क्या वो सही है, क्या उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। तो ये एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था कि एक हॉरर कॉमेडी के माध्यम से आपको एक मैसेज देना, जिसको अमर कौशिक ने बहुत ही खूबसूरती से निभाया है। हेड्स ऑफ अमर कौशिक। साथ ही साथ अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो राजकुमार राव और श्रद्धा ने दोनों ने बिल्कुल, मतलब सचिन और विराट सहवाग जैसी बैटिंग की है। दोनों ने कमाल की धुआंधार बल्लेबाजी इस पिच पर की है, और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस उन दोनों के रहे हैं। साथ ही साथ पंकज त्रिपाठी मेरे दोस्त, क्या कमाल का परफॉर्मेंस है। वो थोड़ी देर आते हैं लेकिन आपको यूं लगता है कि यार क्या बात है, क्या कैरेक्टर इन्होंने बिल्ड किया है। तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस पूरी फिल्म में आपको सारे लोगों को देखने मिलेगा। मैं इस फिल्म को देता हूं 5 में से 3.5 स्टार। दूसरी फिल्म डायरेक्टर नवनीत सिंह की यमला पगला दीवाना, 1986 में या 88 में बनी थी शायद, हाँ वो रिलीज हो गई है। तो छोड़ दो,